एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निहारका। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 मेकअप प्रोडक्ट्स ऑफ 2023, अफोर्डेबल वर्सेस एक्सपेंसिव। जी हाँ, यहाँ पे मैं एक्चुअली कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस बता रही हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट हैं इस साल के इन डिफरेंट कैटेगरीज में। और मैं वहाँ पे आपको दो ऑप्शन बता रही हूँ, बेस्ट इन अफोर्डेबल में और बेस्ट इन एक्सपेंसिव में, क्योंकि ऑब्वियसली सबका बजट डिफरेंट होता है। आप ज़्यादा एक्सपेंसिव बाय नहीं कर सकते या आप ज़्यादा अफोर्डेबल लेना नहीं चाहते, तो ये आपके ऊपर है। और ये समवॉट ड्यूप नहीं है, ये हाँ थोड़ा बहुत सिमिलर है, सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, पर हाँ ये अपने आप में अलग प्रोडक्ट है और डिफरेंट है, यूनिक है और वर्थ इट है। मतलब अगर यहाँ पे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो वो सीरियसली वर्थ द मनी है, आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। और सेम चीज़ अफोर्डेबल के लिए है, तो ये आपके ऊपर है, आप दोनों चाहो तो बाय कर सकते हो, आप वरना आपका बजट जो अलाउ करे आप वो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है मॉइस्चराइज़र, और मेरे हिसाब से अफोर्डेबल में जो बेस्ट मॉइस्चराइज़र मुझे लगता है, खासकर विंटर के हिसाब से, प्रॉपर हाइड्रेशन हाइलोरोनिक एसिड के हिसाब से मुझे लगता है आपको ये ट्राई करना चाहिए, है सिंपल का हाइड्रेटिंग जेल क्रीम। ठीक है, ये प्योर आपको हाइड्रेशन देगा, ये लॉन्ग लास्टिंग है, डीप हाइड्रेशन है, ये वाटर बूस्ट है, इसमें कोई भी नेस्टी केमिकल्स नहीं, कोई कलर परफ्यूम कुछ नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। ये एकदम आपका लाइक वाटर टाइप का क्रीम है, जेल क्रीम है, और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है स्किन में, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अगर एक्सपेंसिव में बात करूं तो यहाँ पे जो मॉइस्चराइज़र है वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, जिसे मैं हमेशा लाइक सालों साल से यूज़ कर रही हूँ। अब तक मैंने अनगिनत मतलब इसको ख़त्म किया है, मुझे याद भी नहीं कितनी बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रोजेना के हाइड्रो बूस्ट हाइलोरोनिक एसिड नरिशिंग क्रीम की। पहले इमर्शन आता था, अब इन्होंने दोबारा रीब्रांडिंग की है, तो जो आपका इमर्शन आता है यानी जेल क्रीम जो आती थी वो अब आप नरिशिंग क्रीम के नाम से आती है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें वाटर जेल फॉर्मूला आता है, एकदम जेल फॉर्मूला, और ये क्रीम फॉर्मूला है, तो मुझे क्रीम फॉर्मूला पसंद है क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये कहीं ना कहीं मुझे क्लिनिक के मॉइस्चर सर्च जैसा लगता है, पर सच्ची बताऊँ ये उससे कहीं ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छे से हाइड्रेशन देता है, मैं इससे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं दिन में बस एक बार इसे अप्लाई करती हूँ, मुझे दोबारा अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे इतना ज़्यादा मॉइस्चर मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लिप बाम, और जो मोस्ट फेमस लिप बाम है वो ऑब्वियसली लेनेज का है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपके लिप को मॉइस्चराइज करता है, जो भी चैपीनेस उसको रिमूव कर देता है। मतलब वो थिक भी है लेकिन ओवर हैवी फील नहीं होता, अच्छे से लाइक बेस्ट लिप बाम है जो कि आपके लिप्स को रात भर में क्योर कर देगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली अगर आप बाय कर सकते हो तो ज़रूर बाय करिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा लिप्स की प्रॉब्लम होती हो, खासकर विंटर में होती है, तो लेनेज ज़रूर मैं कहूँगी कि एक्सपेंसिव में आपको बाय करना चाहिए। अगर अफोर्डेबल की बात है तो ये जो लिप बाम है ये है प्लम का कैंडी मेल्ट। ठीक है, अगेन ये आपका वीगन लिप बाम है और ये डेंस है पर हैवी फील नहीं होता, और बहुत अच्छे से आपके लिप्स की जितनी भी चैपीनेस है, ड्राइनेस है, सब रिमूव कर देता है, तो ये भी समवॉट उसी टाइप का वर्क करता है, और आपको एक फील आएगा कि आपके लिप्स पे कुछ लगा है, एक थिक लिप बाम लगा है, बहुत ही थिन नहीं है, थिक लिप बाम है, जिससे कि आपके लिप्स बहुत अच्छे से मॉइस्चर यू नो सोक कर पा रहे हैं, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है अफोर्डेबल में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सही प्रोडक्ट है। जो नेक्स्ट है वो है ब्लश, तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्सपेंसिव में मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लश है, वैसे मैं इस पर कभी इन्वेस्ट नहीं करती, लेकिन बाय चांस इन्वेस्ट करने के बाद ये लाइक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हुआ मेरे लिए। मैं बात कर रही हूँ शार्लेट टिलबरी का पिलो टॉक मैट ब्यूटी ब्लश वॉन्ड। ओ माई गॉड, ये सीरियसली बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। हाँ महंगा काफ़ी है लेकिन सम वॉट कह सकती हूँ वर्थ द मनी है। जैसे मैं अप्लाई करती हूँ जो पिगमेंटेशन है भाई साहब वो रहता है, मतलब नॉर्मली क्या होता है ब्लश डल हो जाते हैं, ये डल नहीं पड़ता, जो पिगमेंटेशन है वो दिखेगा, आप चाहे कितना भी प्रोडक्ट अप्लाई करो वो रहता है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि टचअप भी नहीं करना पड़ता, और क्या खूबसूरत तरीके से ब्लेंड होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्लेंड होता है। ठीक है, इतना ब्लश भी दिखता है, नेचुरल भी दिखता है, ओवर द टॉप भी नहीं दिखता है। ठीक है, बहुत खूबसूरत और फ्लॉलेस है। जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ मुझे सच में अपना मेकअप ही एकदम अलग सा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ जो मेरा शेड है ये है
पीच पॉप, जो अगेन आई थिंक मैंने कभी लिया नहीं ऐसा शेड, पर मुझे ये बहुत सही लगा, बहुत सही, क्योंकि इसमें हल्का सा पिंक कलर टोन है जो कि अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़ा सा समर वाइब, थोड़ा फ्रेश वाइब देता है। अगर अफोर्डेबल में बात करूं, वैसे ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं लेकिन स्टिल वर्थ द प्राइस है, मैं बात कर रही हूँ प्रॉश के स्वीट चीक की। ये जब से मैंने इसको ट्राई किया मैं सीरियसली इससे ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर ये शेड पोलर क्रंची। तो संभव आप कह सकते हैं इन दोनों के जो शेड्स हैं वो थोड़े बहुत एक ही टोन में है, वैसे डिफरेंट है लेकिन टोन एक ही है। और मुझे अगेन ये शेड भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही फ्रेश वाइब देता है, ठीक है। ये सटल है, आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि लगाने पे दिखेगा नहीं, ये दिखता है और बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है, ऐसा नहीं लगता कि ब्लश लगाया है। अगर आप सही शेड पिक करोगे तो ऐसा लगता है सच्ची में आपके चीक्स का कलर ही ऐसा है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। नॉर्मली लिक्विड ब्लश को भी ब्लेंड करने में बड़ा नाटक होता है, पैची हो जाते हैं, पर ये अकेला ऐसा है कि बहुत इजीली अप्लाई होता है। ये प्रॉपर लिक्विड ही, क्रीमी लिक्विड मैं कहूँगी, क्रीमी सॉर्ट ऑफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक मैं इसे 10/10 दूंगी। जो नेक्स्ट है वो ऑब्वियसली आप कुछ ग्लोई चाहोगे, फेस्टिव सीजन भी है और ब्राइडल सीजन है मेन, तो ग्लोई तो बनता है मेकअप में, खासकर विंटर में मेकअप ग्लोई ना लगे तो बेकार लगता है। तो जो बेस्ट प्रोडक्ट मुझे ग्लो की लगता है वो है ये एल्फ का हालो ग्लो, ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें अच्छे खासे शेड आते हैं, आप अपने हिसाब से शेड पिक कर सकते हैं। यहाँ जो मेरा शेड है वो है शेड 2, ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइट लगता है, पर लाइट नहीं, जैसे मैं ब्लेंड करती हूँ मेरी स्किन में ब्लेंड हो जाता है, तो ये मेरे लिए लाइट नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो एक शेड से डार्क ले सकते हैं, पर मुझे ये शेड परफेक्टली सही लगता है, और फाउंडेशन में भी मैं इसे मिक्स कर सकती हूँ। ये अकेले भी अप्लाई करोगे ना तो आपको हल्का सा कवरेज देता है, मतलब आपका जो हल्का फुल्का स्पॉट वॉट है ना उसको थोड़ा हाइड कर देता है, इसमें कवरेज है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो एक्सपेंसिव में कहूँ तो अगर आप ले सकते हो, अगर आप सीरियसली बाय खरीद सकते हो, क्योंकि इतना भी महंगा नहीं है और थोड़ा डिस्काउंट मिलता है सेल में, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको बाय करिए, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर अफोर्डेबल में बात करूँ तो ये प्रोडक्ट लाइक रीसेंट लॉन्च है, मैंने इसका रिव्यू भी किया है, पर हाँ इस कैटेगरी में मैं इसे डाल सकती हूँ क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है और इस प्राइस में ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं बात करूँ लैक्मे एब्सोल्यूट की ल्यूमिनस स्किन टिंट, ये स्किन टिंट बोलता है पर बहुत ही शियर है, शियर वैसा ही जैसा कि आपका एल्फ का होता है, शार्लेट एब्री का होता है, वैसा ही आपको, लेकिन आपको ग्लो देगा, ग्लो दिखेगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ हाइड नहीं कर पाएगा। तो मुझे एक्चुअली काफ़ी पसंद है, मेरा जो शेड है इसमें है वॉर्म सैंड, अगेन इसमें आपको अच्छे से शेड मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ बस एक प्रॉब्लम मुझे लगी कि इसमें फ्रेगनेंस बहुत अजीब सी है, मतलब बहुत पाउडरी जैसी है, थोड़ा सा चीप फ्रेगनेंस है, बहुत तेज फ्रेगनेंस है, बस ये प्रॉब्लम है, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसको अच्छे से जब ब्लेंड करोगे ना तो आप देख सकते हैं कैसे ये ग्लो दे रहा है। तो इसको आप अलोन भी वेयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं पूरा आप मेकअप करो, आप बस अपना फेस ग्लोई रखना चाहते हैं तो आप इसको वेयर कर सकते हैं, नहीं तो अपना कोई भी फाउंडेशन किसी के साथ मिक्स कर सकते हैं, एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अफोर्डेबल में इस प्राइस में ऐसा प्रोडक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो समवन इनको मैं ड्यूप नहीं कहूँगी, ड्यूप नहीं है, लेकिन हाँ सिमिलर है, ये अलग परफॉर्म करता है, इसके अलग पॉजिटिव पॉइंट है, ये ज़्यादा बेटर एक तरीके से कहूँगी, ये ख़राब नहीं है, अच्छा है, इस प्राइस में आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, और आप इसको अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सो यस, मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है सेटिंग स्प्रे, और यहाँ पे मैं डूई नहीं बल्कि हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे की बात कर रही हूँ, क्योंकि विंटर है, हाइड्रेशन सबको चाहिए। तो जो एक्सपेंसिव में होगा मेरे हिसाब से वो एल्फ का ये डूई कोकोनट सेटिंग मिस्ट, कि बहुत अच्छे से आपके फेस को हाइड्रेट कर देता है, एकदम आपको लगता है कि अगर आपकी मॉइस्चराइजर में कोई कसर छूट गई हो तो ये पूरी कर देगा, हाइड्रेशन बहुत अच्छे से देता है, आपका मेकअप सेट कर देगा। डूई ये बोलता है मुझे, पर मुझे उतना डूई नहीं लगता, ठीक है, हल्का सा है पर उतना डूई पे आप मत जाइए, मेन है कि ये हाइड्रेशन बहुत अच्छे से देता है, और जो कोकोनट की फ्रेगनेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती, बहुत हल्की से आती है और बाद में फेड अवे हो जाती है। अगर अफोर्डेबल में बोलूँ तो अगेन मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, ये है रहने का मेकअप फिक्स सेटिंग स्प्रे, ये सेटिंग स्प्रे है और ये भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, इसमें एलोवेरा है, विटामिन सी है, ये आपके मेकअप को सेट कर देता है, साथ ही साथ आपको एक अच्छा सा हाइड्रेशन मिलता है, मतलब मैं जब भी इसको अप्लाई करती हूँ मैं हाइड्रेशन फील कर सकती हूँ, तो ये काफ़ी सही है, ठीक है। आप चाहो तो नेचुरल फिनिश कह सकते हो, एक तरीके से देता है, उतना ज़्यादा डूई नहीं कहूँगी, अगेन नेचुरल हाइड्रेटिंग फिनिश ये सब आपको देंगे, तो अगेन ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अफोर्डेबल में, अगर आपको सिर्फ हाइड्रेशन चाहिए।
जो लास्ट है वो है लिपस्टिक। ये लिपस्टिक के फॉर्मूले एक्चुअली इतने ज़्यादा मैच करते हैं, आपस में सिमिलर हैं, और जिस तरीके से फिनिश देते हैं कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे डालना चाहिए। सबसे पहला तो जो है एक्सपेंसिव में, ये है हुडा ब्यूटी की बुलेट लिपस्टिक। ये मैट लिपस्टिक है इन द शेड इंटरव्यू, ठीक है। बहुत ही गॉर्जियस शेड है, बहुत ज़्यादा प्यारा शेड है, आप देख सकते हो, बहुत प्यारा ब्राउन मॉव टोन है, मतलब ब्राउन न्यूट है पर मॉव टोन है, बहुत प्यारा शेड मुझे ये लगता है, ठीक है। बहुत ही कंफर्टेबल लिपस्टिक है, क्रीमी लिपस्टिक है, अच्छा सा पिगमेंट देती है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग है, पर ये ट्रांसफ़र प्रूफ या स्मच प्रूफ मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। ये ट्रांसफ़र होती हैं, आप कुछ खाओगे तो रिमूव हो जाएंगी, मतलब ये नॉर्मल टाइप की लिपस्टिक है, मतलब ऐसा ट्रांसफ़र वाला फैक्टर इसमें नहीं है, लेकिन स्टिल एज अ कम्फर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है। हाई एंड लिपस्टिक है, अगर आप हाई एंड में कंफर्टेबल लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं देन अगेन ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और खासकर इसमें जो शेड रेंज है वो बहुत ही यूनिक है, ठीक है। जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, भले आप कितने भी आपको ड्राइनेस या चैपनेस की प्रॉब्लम हो तब भी आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर अफोर्डेबल में बात करूँ तो इसी के जैसा कंफर्टेबल फॉर्मूला, अगेन ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अप्लाई होता है, अच्छा पिगमेंटेशन देता है और समवर्ड फॉर्मूला आपको सिमिलर लगेगा। मैं बात कर रही हूँ प्रॉश की लिपस्टिक की, यह है प्रॉश की बुलेट लिपस्टिक और यह इन द शेड हाई टी। अगेन इनका फॉर्मूला भी बहुत ही सॉफ्ट पाउडरी जैसा फॉर्मूला उसका लगता है, वैसी फॉर्मूला आपको उसका लगेगा। लॉन्ग लास्टिंग है, एक ही बार में आपको पिगमेंटेशन देगा, बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है लिप्स पे। अगेन लॉन्ग लास्टिंग है पर ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो ये जो शेड है ये आपका कुछ ऐसा दिखता है, ये आपका हाई टी है, ठीक है। मतलब डिफरेंट शेड्स सेम नहीं है लेकिन आपको इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे शेड मिल जाएंगे और फॉर्मूला जिस तरीके से ये अप्लाई होती वैसी ही यही ये भी अप्लाई होती, ये भी वैसी फील होती है लिप्स पे, तो मुझे उस तरीके से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती हैं। तो अगर आप इसी कैटेगरी में कंफर्टेबल मैट लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं, कंफर्टेबल मैट फिनिश वाली लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं पर एक्सपेंसिव में ढूंढ रहे हैं, तो हुडा ब्यूटी एक बेस्ट ऑप्शन है और अफोर्डेबल में तो आपका प्रॉश बेस्ट ऑप्शन है। जो लास्ट है वो है फाउंडेशन ब्रश। तो अगर मैं अफोर्डेबल में कहूँ तो मेरा फेवरेट फाउंडेशन ब्रश जो है अफोर्डेबल में वो है पैक का 231। ये काफ़ी बड़ा है पर बहुत जल्दी फटाफट आपका फाउंडेशन ब्लेंड कर देता है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है इसकी, मतलब मुझे लाइक एक मिनट लगता है ना फाउंडेशन ब्लेंड करने में जब भी मैं यूज़ करती हूँ, कोई स्ट्रीक मार्क नहीं देता, बहुत अच्छे से कवरेज देता है और काफ़ी सही है। मतलब अगर आप जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं ना तो ये आपके लिए परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग ये करता है। और अगर मैं एक्सपेंसिव में बात करूँ तो अगेन ये मेरा वन ऑफ द फर्स्ट फाउंडेशन ब्रश था जो आज भी मेरा फेवरेट है, ये है रियल टेक्निक का RT 200, ठीक है। आप देख सकते हैं ये उतना साइज़ में इसका बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा बफिंग करता है, बहुत अच्छे से आपका जो फाउंडेशन है उसे ब्लेंड करता है, अच्छा खासा कवरेज आपको मिलता है। अगर आपका फेस बहुत छोटा है, आप ढंग से फाउंडेशन ब्लेंड नहीं कर पाते तो ये आपका काम करेगा, ये आपका अच्छा खासा कवरेज भी बनाता जाता है और फाउंडेशन को भी बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से ब्लेंड करता है, कोई भी स्ट्रीक मास्क कुछ नहीं आता, मतलब अच्छा एक कवरेज देता है आपको। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। जो भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।